वेलकम दोस्तों, मेरे चैनल गोवा ब्लॉगर नंदिता में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही सुंदर बीच अंजुना बीच की जानकारी दूंगी। आपको इस वीडियो के अंत तक अंजुना बीच के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा कि ये बीच कहां पर है। वीडियो के अंत में वाटर स्पोर्ट्स की प्राइस और टाइप्स ऑफ वाटर स्पोर्ट्स की जानकारी भी मिलेगी। जैसा कि आप सभी को पता है, जनवरी 2021 चल रही है और गोवा का सीजन अप्रैल तक रहता है, तो अभी 3 महीने बचे हैं। अगर आपको गोवा की लेटेस्ट अपडेट और गोवा में क्या क्या घूमने के लिए है इसकी जानकारी चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे गोवा की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचती रहे। यह सुंदर बीच पंजिम सिटी से लगभग 22 किलोमीटर दूर और बागा बीच से लगभग 7 किलोमीटर दूर है। अगर आप गोवा आ रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपना होटल मपुसा, अरपोरा या बागा और कलंगुट बीच के पास बुक करें। इन जगहों के पास अगर आप अपना होटल बुक करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि मपुसा से सारे बीच लगभग 15 किलोमीटर दूर हैं और अरपोरा जो कि बागा बीच के पास है, बागा और कलंगुट बीच के पास भी होटल ले सकते हैं। अगर बागा बीच के पास होटल लोगे तो सारे बीच इसी रोड में पड़ेंगे और आप बागा, कलंगुट, कोंडोलिम, कोको, वागाटोर, अंजुना, मानरिम, आस्वेम और अरम्बोल बीच बड़ी आसानी से घूम सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मपुसा और अरपोरा में आपको रूम सस्ते मिलेंगे, लेकिन बागा और कलंगुट बीच के पास थोड़ा महंगे मिलेंगे। लेकिन मेरी एडवाइस यही है कि नॉर्थ गोवा घूमने के लिए आप इन चारों जगहों में कहीं भी रूम ले सकते हैं। चलिए अंजुना बीच के बारे में बताती हूँ। यह बीच पर्यटकों के लिए बहुत ही आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर विदेशी टूरिस्ट आना पसंद करते हैं। अभी जनवरी महीना चल रहा है, कोविड के कारण अभी तक इंटरनेशनल टूरिस्ट अलाउ नहीं है, अदरवाइज यहाँ पर भीड़ लगी रहती। इस बीच की एक और खास बात है, यहाँ पर जो चट्टाने हैं, जैसा कि बीच में इंटर करते ही आपने देखा होगा, इन चट्टानों को देखने और इस पर फोटो लेने के लिए बहुत सारे पर्यटक आते हैं। इस बीच पर आप वाटर स्पोर्ट्स का भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर आप बम्पर राइड, जेट स्की, बोट राइड, बनाना राइड, पैरासेलिंग का एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है बम्पर राइड, इसमें 2 लोग बैठ सकते हैं और एक स्पीड बोट इसे टो करेगी, मींस खींचेगी। और ये है बनाना राइड, इसमें लगभग 6 से 10 लोग बैठ सकते हैं, इसे भी एक स्पीड बोट खींचेगी।
की जिसे वाटर बाइक कहते हैं, इसमें दो लोग बैठ सकते हैं। अगर आप इन सब की प्राइस जानना चाहते हैं तो मैंने आई बटन में और वीडियो के लास्ट में लिंक दे दिया है, आप चेक कर सकते हैं। ये बोर्ड में जो प्राइस दी हुई है ये एक्स्ट्रा राइड करने के लिए है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे गोवा की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।